कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 7 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताऊंगा और 3 सम राशियों के बारे में बताऊंगा, यानी 7 सबसे भाग्यशाली राशि और 3 सम राशि, कैसा इनका भाग्य रहेगा, पुत्र धन नौकरी बिजनेस व्यापार स्वास्थ्य मैरिज इन सब के लिए समय कैसा रहेगा 2020 से 22 तक, भगवान शिव जी की कृपा कैसी रहेगी। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं लास्ट में, वह जरूर सुनें और उनको जरूर करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो और जीवन की हर खुशी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, साल 2020 बहुत बड़ा परिस्थितियों से गुजर रहा है और आने वाले समय में परिस्थितियां और विकट हो सकती हैं, लेकिन इस समय में 7 राशियां बहुत ही अच्छी रही हैं और जिनकी भी ये 7 राशियां हैं उनको खुद भी अनुभव हुआ होगा कि औरों के मुकाबले उनका समय जो है बहुत अच्छा रहा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, भगवान की कृपा उनके ऊपर रही है। जन्म कुंडली के हिसाब से कुछ समय बदल जाता है, ये मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूं आपको। अगर जन्म कुंडली में आपकी दशा खराब है उसकी वजह से अगर आपको कोई परेशानी आई है तो वो एक अलग बात है। दोस्तों, भगवान महाकाल की कृपा से 7 राशि वालों को धन की प्राप्ति भरपूर मात्रा में होगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हर तरफ से धन के रास्ते खुलेंगे, धन प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति ये 2 चीजों की प्राप्ति इन 7 राशि वालों को अवश्य होगी और जो 3 सम राशि मैंने बताई हैं उनको भी इनकी प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य देव की कृपा से 7 राशियों का बहुत ही अच्छा इस साल भाग्य रहा है। समय समय पर ग्रह बदले हैं, 6 ग्रह इस टाइम बकरी चल रहे हैं और ऐसे समय में भी इन 7 राशि वालों के ऊपर ग्रहण की अच्छी दृष्टि है जिससे आने वाले समय में इनको और कामयाबी मिलेगी और भगवान की कृपा से बड़े बड़े कार्य इनके सिद्ध होंगे। आपका परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा, आपके रुके हुए पैसे वापस आएंगे, विद्या क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस में आपको उन्नति मिलेगी, संतान की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आप भगवान की शरण में जरूर रहें, अच्छे समय के साथ साथ अपना कर्म भी करते रहें। कहते हैं कि कर्म करने से इंसान का भाग्य बदल जाता है। अब मैं राशियों के बारे में बता रहा हूं जो 7 राशियां हैं। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि का इस साल बहुत अच्छा भाग्य रहा है। मेष राशि वालों को खुद भी अनुभव हुआ होगा कि औरों के मुकाबले उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है, यानी इस साल जो शुभ राशि है उनमें से मेष राशि का भाग्य बड़ा ही उच्च रहा है, बहुत बढ़िया। परेशानी आई, विपत्ति आई, लेकिन हर विपत्ति से निपटने को उनको साहस मिला है और अब आने वाले समय में मंगल और गुरु के द्वारा मेष राशि वाले को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। हनुमान जी की पूजा करते रहे। नंबर 2 जो राशि है वह है सिंह राशि। बहुत ही अच्छा भाग्य रहा है इसका और धन और पुत्र के मुकाबले में ये राशि बहुत ही बेटर रही है। इसका भाग्य बहुत अच्छा रहा है और सूर्य की कृपा इसके ऊपर भरपूर रही है, यानी भगवान सूर्य देव की कृपा से आने वाला समय राशि का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि का पुत्र धन सुख समृद्धि बिजनेस नौकरी हर प्रकार का सुख इनको प्राप्त होगा। सूर्य देव की आराधना करते रहें। तीसरी जो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि जून से लेकर के 2022 तक शुभ रहने वाली है। जून तक कुंभ राशि का समय खराब था
और कुंभ राशि के ऊपर शनि साढ़े साथी भी चल रही है। तो आने वाली जो साढ़े साथी है वह बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएगी और हर सुख हर प्रकार के कार्यों में इनको सहयोग प्राप्त होगा। दूरस्थ रास्ताओं से बचें, यात्राओं से बचें और शनिदेव की आराधना करते रहें। चौथी जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मई से भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रहण की स्थिति आप देखें, ग्रहण की दृष्टि के द्वारा अगर आप देखें तो वृषभ राशि वालों को बड़ा लाभ मिला है। धन के क्षेत्र में इनको अब धीरे धीरे कामयाबी मिलने लगी है। संतान का इनका योग अच्छा है, परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि इस टाइम थोड़ी सी बेरोजगारी है वृषभ राशियों के लिए और पैसे की थोड़ी तंगी है, लेकिन आने वाले समय में ये भी दूर हो जाएगी। माता दुर्गा की आराधना आप करते रहें, समय बहुत बढ़िया है आपका जो है। कन्या राशि, 18 जून तक बिल्कुल भी भाग्य अच्छा नहीं था कन्या राशि का, लेकिन अब 18 जून के बाद में कन्या राशि का भाग्य बहुत अच्छा है। आने वाले समय में कन्या राशि वालों के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होने वाले हैं। कन्या राशि के जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें अब दूर होंगी। कन्या राशि वाले गणेश जी की पूजा करते रहें। गणेश जी की पूजा पूरे साल क्या 2022 तक आपको विशेष रूप से करनी है और 2022 तक गणेश जी की कृपा से आपको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों तुला राशि, जैसा वृष राशि का भाग्य है वृषभ राशि का, उसी प्रकार से तुला राशि का है। तुला राशि का भाग्य अच्छा, हालांकि साल के शुरुआत से ही फरवरी से ही तुला राशि का भाग्य बेहतर रहा है, लेकिन आने वाले समय में तुला राशि का भाग्य और अच्छा चमकने वाला है। तुला राशि को स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहना है, खान पीन का विशेष ध्यान रखना है, आलस को दूर रखना है और माता दुर्गा की आराधना करते रहना, सफेद वस्तु का दान करते रहें। धनुराशि मार्च तक बहुत अच्छी थी, उसके बाद में जून तक हो यानी 29 जून तक इतना अच्छा भाग नहीं, लेकिन 29 जून के बाद में और 2022 तक धनुराशि का भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति देव की कृपा से बड़े बड़े कामयाबी मिलेगी। धन और पुत्र का तो पूरा तरह से योग है ही, आपको और भी लाभ मिलेंगे, आपके द्वारा लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान की प्राप्ति के लिए आप बृहस्पति देव की पूजा करते रहें, बृहस्पति देव की आराधना से आपको संतान की प्राप्ति होगी, आने वाला समय आपका शुभ रहेगा। बृहस्पति देव की और गणेश जी की पूजा ये राशि वाले करते रहें और खास करके बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, हरी वस्तु चढ़ाएं, वीरवार को बृहस्पति देव की पूजा करें, शिव जी पर गन्ने का रस आदि चढ़ाते रहें। ये तीन पूजाएं अगर आप करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी, बड़े बड़े कार्य आपके सिद्ध होंगे। दोस्तों एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना प्रतिदिन पक्षियों को सतरंजा और माता गौ को खाना, ये दो चीज जरूर करते रहें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे। अगली जो राशि है वह है मीन राशि, और मीन राशि का भाग्य सम दृष्टि से भी अच्छा है और शुभ दृष्टि से भी अच्छा है। वृश्चिक राशि, इसका शुभ भाग्य भी है और सम भी है, यानी इतना अशुभ भी नहीं है और ज्यादा शुभ भी नहीं है, मीडियम भाग है। पुत्र धन की प्राप्ति होगी लेकिन थोड़ी सी मुसीबतें भी रहेंगी, यानी परेशानियों का सामना भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। हनुमान जी की आप पूजा करते रहें, हनुमान जी की पूजा आपको विशेष रूप से करनी है, आने वाला समय आपके लिए सुखद हो, अच्छा रहे। कर्क राशि का भाग्य अभी फिलहाल में ठीक नहीं है, अगस्त तक थोड़ी सी परेशानियां हैं।
अगस्त के बाद में भरपूर पैसा आने वाला है कर्क राशि के भाग्य में। हालांकि जुलाई से ही भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा और अगस्त आते आते कर्क राशि का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव जी की पूजा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगी। भगवान शिव जी की पूजा आप करते रहें। भगवान शिव जी पर पंचामृत से स्नान कराएं, विभिन्न द्रव्यों से भगवान को पूजन करें, प्रसन्न करें, भस्म आदि चढ़ाते रहें। मीन राशि का भाग्य सम है और बृहस्पतिदेव की कृपा से आपको कामयाबी मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। वीरवार को मीठे चावल बना करके पी ले, गरीबों में बांटें, आपको खुशी मिलेगी। जय